जय भीम साथियों नमस्कार अम्बेडकरनामा एपिसोड नंबर 86 और बाबा साहब का संदेश का ये तीसरा भाग है आप सबका स्वागत है आज इस संदेश में मैं बहुत ही विशेष संदेश की बात करूंगा और जो मैंने पढ़ा है अब तक बाबा साहब को मुझे लगता है कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है जिसकी मैं चर्चा करने जा रहा हूं और यह 13 अप्रैल 1947 को मद्रास से प्रकाशित होने वाली जयभीम नामक पत्रिका में छपी थी और यह बाबा साहब के जन्मदिन के एक दिन पहले पूर्व संध्या पर बाबा साहब जन्मदिवस विशेषांक नाम से छपी थी और यह आपको मिलेगा राइटिंग बाबा साहब की अंग्रेज़ी राइटिंग वॉल्यूम सत्रह पार्ट दो पेज नंबर तिरासी से पचासी में भीम वालों ने जो मद्रास से निकलती थी जो समाचार पत्र उन्होंने बाबा साहब को एक चिट्ठी लिखा था जिसमें कहा था उन्होंने आग्रह किया था कि मैं आपके जन्मदिन पर विशेषांक निकालना चाहता हूँ इसलिए आप मुझे कुछ लिख कर और इसी संदर्भ में उन्होंने वो लेख लिखा था और लेख का टाइटल था तब तक न ठहरो जब तक अस्पृश्य पुरुषार्थ न प्राप्त कर ले मैनहुड न प्राप्त कर ले तब तक संघर्ष करते रहो ये था उनका संदेश चलिए आगे बात करते हैं कि आखिर ये दो पन्नों के ढाई पन्नों के संदेश में आखिर वो क्या बात उन्होंने कही कि जो मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत ही प्रेरित कर रही है बहुत ही प्रभावित कर रही है उन्होंने लिखा है कि आपने मुझे अपने पचपनवें जन्मदिन पर आपके विशेषांक के लिए संदेश भेजने के लिए कहा है यह दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य है कि भारत में राजनेताओं को पैगंबरों के समतुल्य माना जाता है खुदा के बराबर माना जाता है विदेशों में लोग अपने पैगंबर का जन्मदिन मनाते हैं अपने ईश्वर जिसको मानते हैं प्रॉफेट उसका जन्मदिन मनाते हैं यह केवल भारत में ही होता है कि जहाँ पैगंबर के साथ साथ राजनेताओं का जन्मदिन भी मनाया जाता है यह खेद की बात है बहुत दुख की बात है कि यहाँ ऐसा होता है व्यक्तिगत रूप से मुझे अपना जन्मदिन मनाना पसंद नहीं है मैं आवश्यकता से अधिक डेमोक्रेटिक हूँ लोकतांत्रिक हूँ मैं व्यक्ति पूजा को प्रजातंत्र को पथ भ्रष्ट करने वाला मानता हूँ एक नेता के लिए श्रद्धा प्यार आदर एवं सम्मान यदि उसका पात्र है उसके लायक है तो स्वीकार्य है तथा नेता एवं अनुयायियों फॉलोअर्स दोनों के लिए उचित है लेकिन नेता की पूजा किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है यह दोनों का नैतिक पतन करती है। पॉइंट नोट कीजिएगा नैतिक पतन करती हैं लेकिन मैं इसे सभी मुद्दों से अलग मानता हूँ यदि एक बार नेता को पैगंबर के बराबर उनके समकक्ष मान लिया जाता है तो वह अवश्य ही पैगंबर की भूमिका निभाएगा अपने आप को खुदा ही समझेगा तथा तो वह अपने अनुयायियों को पैगंबर की भांति ही संदेश देगा मतलब भक्त बनेगा और भक्त संदेश को सिर्फ फॉलो करता है वह सवाल नहीं करता है तो ये पहला पैराग्राफ है संदेश का और ये मैं बल देकर इसलिए पढ़ रहा हूँ कि जो नेता अंबेडकर लोहिया किसी ऐसे महापुरुष का जन्मदिन मनाते हैं उन नेताओं को और उनके मनाने वाले कार्यकर्ताओं को दोनों को ये वीडियो भेजिए अब पेज नंबर के साथ कह रहा हूँ एक कार्यकर्ता को भी समझना चाहिए कि बाबा साहब ने क्या कहा था सिर्फ जय भीम और बुलू गमछा लपेट के घूमने से कुछ नहीं होने वाला है उनके संदेश को पढ़िए नेताओं को भी इतना वीडियो एडिट करके कम से कम व्हाट्सएप पे चलाइए जितना कह रहा हूँ पहला पैराग्राफ उसके बाद आगे की कहानी कहूँगा इसी को काट कर व्हाट्सएप पर चलाइए कि अम्बेडकर यूट्यूब में ये चल रहा है नेता लोग आकर देखें इधर क्या चर्चा चल रही है उनके कार्यकर्ता फॉलोअर भक्त भी हैं वो आकर अम्बेडकर नामा देखें जिससे उनको पता लगे कि बाबा साहब ने राजनीति को लेकर शिक्षा को लेकर जन्मदिन को लेकर क्या कहा था तो उनको थोड़ा सा जय जयकारा करने के लिए बहुत समय होता है लेकिन काम की बात सुनने में उनके पास समय का अभाव रहता है काम की बात थोड़ा सा कड़वी दबा में तो टाइम लगता है ना थोड़ा टाइम तो लगेगा इसलिए उनको आपके आपकी जिम्मेदारी है कि आप एडिट कर दें और इतना भेज दें सबको व्हाट्सएप में ये जन्मदिन के बारे में बाबा साहब बोले थे चलिए आगे बढ़ते हैं मैं अस्पृश्यों को क्या संदेश दे सकता हूँ सवाल करते हैं वो जानते थे ना अपने समाज की कमजोरी और त्रासदी सब जानते थे मैं क्या दे सकता हूँ मैं उन्हें कोई संदेश नहीं दे सकता लेकिन ग्रीक मिथक से एक कथा सुनाता हूँ एक कहानी सुनाता हूँ मेरे लोग कहानी कथा में बहुत मजा आता है इसलिए कहानी के द्वारा अम्बेडकर साहब समझा रहे हैं मैं ग्रीक पुराण से एक कथा सुना सुना सकता हूँ तथा उसके द्वारा नैतिकता के बारे में मैं बता सकता हूँ यह कहानी ग्रीक देवी डिमीटर को संबोधित स्तुति गान से संबंधित है सो स्तुति गान में डिमीटर बताया गया है डिमीटर के बारे में कि महान देवी कैसे अपनी पुत्री की खोज में भटकते हुए किलियोज के महल में पहुंची किलियोज रानी थी है ग्रीक रानी थी तो उनके महल में ये पहुंची देवी का नाम था डिमीटर किसके घर में पहुंची किलियोज के महल में पहुंची सो तो वो एकदम देखने में दीनहीन हीन हाय वेशभूषा में थी तो किसी ने इस देवी को पहचाना नहीं इसलिए रानी मिट, मिटोनेरिया ने उसे अपने नवजात शिशु जिनका नाम था बच्चे का डिमोफोन जो बाद में चलकर कर के नाम से बहुत विख्यात हुए उसकी देखभाल के लिए एज ए नौकरानी अपने यहाँ रख लिया देवी को नौकरानी के रूप में रख लिया प्रतिदिन शाम जब घर के सदस्य जब सो जाते तो देवी डिमीटर उस बच्चे जिसका नाम डिमोफोन था उसको डिमोफोन को आरामदायक पालने से हटाकर उठाकर और पूर्वक ऐसे लगता है जैसे निर्दयी होकर उस बंद कमरे में ले जाती एक बंद कमरे में ले जाती और उसे नंगा कर अंगारों पर लिटा देती थी तो देखने में लग रहा है कि अंगारों पर लिटाया गया है लेकिन वास्तविकता में वह उस देवी का प्रेम और इच्छा था जिसके द्वारा वह उस बच्चे को देवत्व की स्थिति में ले जाना चाहती थी देवता की स्थिति में ले जाना चाहती थी तो बच्चा जो था डिमोफुन जलते कोयले की तपन को सहन करता सोया रहता उसने इस दिव्य परीक्षा से बहुत ही ताकत शक्ति को संग्रहित किया उसको इकट्ठा किया और धीरे धीरे उसमें लौकिकता अद्भुत शक्ति और चमत्कारी गुण जो है वो झलकने लगे सो इस कथा के अनुसार मिथकीय कथा के अनुसार मिटोनेरिया व्याकुल हो गई जो रानी थी वो व्याकुल हो गई और एक दिन शाम में अचानक उस कमरे में आ गई जहाँ पे ये प्रयोग चल रहा था तो उसने उस देवी को धक्का मारते हुए धक्का मारा जो उस बच्चे में देवत्व लाना चाहती थी धक्का मारा और बच्चे को उठाकर अंगारे से उठा लिया और वहाँ से चले गए तो इसका परिणाम क्या हुआ इसका परिणाम यह हुआ कि बच्चा तो बच गया लेकिन एक अलौकिक पुरुष एक दिव्य पुरुष और अंततः उसने ईश्वर को खो दिया यह कहानी सुनाते हुए डॉक्टर अंबेडकर एक सवाल करते हैं और सवाल का जवाब भी खुद भी देते हैं वो कहते हैं कि यह कहानी हमें क्या सीख देती है हमें क्या शिक्षा देती है तो आगे लिखते हैं कि मेरे विचार से यह हमें यह बताती है कि महानता केवल संघर्ष तपिश और बलिदान से ही प्राप्त किया जा सकता है महानता कोई गिफ्ट में नहीं प्राप्त कर सकता अंतरिम मंत्री सी एम पी एम आएंगे जाएंगे लेकिन वो महान नहीं हो सकते हैं वो संघर्ष की तपिश से ही प्राप्त किया जा सकता है अग्नि परीक्षा से गुजरे बगैर न तो पुरुषत्व और न ही देवत्व प्राप्त किया जा सकता है अग्नि शुद्ध करती है अग्नि शक्तिशाली बनाती है और यही कार्य संघर्ष एवं यातना देते हैं जब तक तपेंगे नहीं तब तक लोहा तपेगा नहीं तो तलवार नहीं बनेगा यही संघर्ष और यातना देते हैं यही कारण सो उत्पीड़ित व्यक्ति तब तक महानता प्राप्त नहीं कर सकता जब तक वह संघर्ष एवं यातना के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर लेता कोई उत्पीड़ित है और अपने आप में क्रांतिकारी हो जाएगा महान हो जाएगा ये काफ़ी नहीं है कि उसके लिए शर्त क्या है शर्त है कि संघर्ष और कष्ट झेलने के लिए दुःख की तपिश को बर्दाश्त करने के लिए जब तक तैयार नहीं कर लेता उसे अपने भविष्य के निर्माण के लिए अपने सुखों एवं वर्तमान आवश्यकताओं का बलिदान करने के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए बाइबल को यहाँ फिर कोट करते हैं कि बाइबल के अनुसार जीवन की दौड़ के लिए सभी को बुलाया जाता है लेकिन चुना केवल कुछ को ही जाता है इसका कारण क्या है कारण स्पष्ट है कि अधिकतर उत्पीड़ित जो अधिकतर अधिकतर उत्पीड़ित हैं जीवन के इस दौर में महानता प्राप्त करने में असफल हो जाते हैं क्योंकि न तो उनके पास साहस होता है न ही दृढ़ निश्चय जिससे वह अपने भविष्य के लिए अपनी वर्तमान खुशियों का त्याग कर दे खुशी मतलब मटेरियल भौतिक साधन करोड़ अरब खरब कुछ नहीं जाएगा सब यहीं रह जाएगा उसको त्यागने की बात कह रहे हैं आगे कहते हैं डॉक्टर अंबेडकर कि क्या इस कथा में दिए गए संदेश से बेहतर एवं महान कोई संदेश हो सकता है मैं एक बता सकता हूँ मेरे विचार से अस्पृश्यों के लिए यह बेहतर एवं उपयुक्त संदेश है मैं उनके संघर्षों एवं भावनाओं से परिचित हूँ मैं जानता हूँ कि स्वतंत्रता के अपने संघर्ष में उन्होंने मुझसे ज़्यादा इतनाएँ झेली हैं लेकिन यह अपना झेलना सिर्फ काफ़ी नहीं यह अपना झेली इस इस के साथ मैं उन्हें कोई अन्य संदेश नहीं दे सकता मेरा संदेश है संघर्ष एवं और अधिक संघर्ष दुख यातना और अधिक दुख यातना इन बलिदानों या यातनाओं की गणना किए बगैर गिने बगैर संघर्ष एवं केवल संघर्ष है जिससे उसको मुक्ति मिलेगी उनको इसके अलावा कोई मुक्ति नहीं दिला सकता है मैंने क्यों कहा कि बहुत सबसे मारक संदेश है संघर्ष के अलावा कोई रास्ता नहीं है अस्पृश्यों को उन्नति एवं प्रतिरोध के लिए सामूहिक इच्छा शक्ति विकसित करना होगा कलेक्टिव विल पावर सामूहिक इच्छा शक्ति विकसित करना होगा तथा अपने कार्य की प्रतिष्ठा में विश्वास रखने के साथ साथ अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दृढ़ निश्चय रहना पड़ेगा एकदम अडिग रहना पड़ेगा दृढ़ निश्चय रहना पड़ेगा उनका कार्य इतना महान है एवं उद्देश्य इतना उत्कृष्ट बढ़िया है इसलिए अस्पृश्य को प्रार्थना में सम्मिलित होकर यह गाना गाना यह प्रार्थना करना चाहिए क्या करना चाहिए तो वो कोर्ट में पढ़ता हूं प्रार्थना क्या करना चाहिए वो वही उन्होंने लिखा है वे सौभाग्यशाली हैं जो उनके उत्थान के लिए कार्य करने के लिए जीवित हैं जिनके बीच वे जन्मे हैं वे सौभाग्यशाली हैं जो अपनी युवावस्था अपनी आत्मा और शरीर की शक्ति तथा अपना सर्वस्व दासता के विरोध के प्रति चलाए जा रहे अभियान में तेजी लाने की दिशा में न्यौछावर कर रहे हैं अपनी जवानी सब कुछ न्यौछावर कर रहे हैं न्यौछावर करने के लिए दृढ़ संकल्प हैं वे सौभाग्यशाली हैं वे जिन्होंने निश्चय किया है कि अच्छा हो बुरा हो कड़कती धूप हो अंधड़ हो तूफान हो यश मिले अपयश मिले वे तब तक नहीं रुकेंगे जब तक अस्पृश्यों को पूर्ण रूप से उनका मैनहुड पुरुषत्व प्राप्त नहीं हो जाता जब तक वो मानव नहीं बन जाते तब तक यह अनवरत यह संघर्ष जारी रहे साथियों संदेश 13 अप्रैल 1947 को जय को में छपा था अब मैं क्या इसमें व्याख्या करूं मुझे लगता है दो शब्द मुझे कहने चाहिए और जितना मैं अंबेडकर को पढ़ रहा हूँ समझ रहा हूँ मुझे लगता है कि अंबेडकर जिस समाज में पैदा हुए थे और जिस समाज की वकालत कर रहे थे उसकी त्रासदियों और उसकी सीमाओं उनकी कमजोरियों को वो बेहतर जानते थे मैं तो बाबा साहब का बिगड़ा चला हूँ तो 25 मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हूँ हिंदू कॉलेज में 23 वर्ष से पढ़ा रहा हूँ और पिछले पच्चीस वर्ष से ज्यादा से छोटे मोटे संघर्ष छोटे लेवल पे जितनी अपनी शक्ति ऊर्जा है जितना समझ सकता हूं करता रहता हूं आखिर ये क्यों करता हूं किसके लिए करता हूं ये वीडियो बना रहा हूं ये क्यों बना रहा हूं मैं किस समाज के लिए बना रहा हूं ये मैं पैसे के लिए बना रहा हूं कितने पैसे मिलेंगे मेरी तनख्वाह भारत सरकार के उच्चस्थ अधिकारी जो होंगे ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के उनके बराबर मेरी तनख्वाह है तो किन के लिए बना रहा हूँ एक वीडियो बनाने में चार तीन घंटे चार घंटे लगते हैं क्यों फॉर व्हाट इट इज ब्रेड एंड बटर फॉर मी मैं पैसे के लिए बना रहा हूँ नहीं ये बात मेरे लोगों को समझ नहीं आएगी तो अभी नागिन के फुंकार नगीना डांस देखने का समय होगा लेकिन काम की बात के लिए समय नहीं है तो इस समाज की त्रासदी को और इसकी कमजोरियों को बाबा साहब का बिगड़ा चेला रतन लाल भी जानता है लेकिन फिर भी अपने हिस्से का जो काम है वो काम तो मैं करके ही जाऊंगा। चाहे आज हो कल हो पाँच साल लगे दस साल लगे अगर जीवित रहा तो अपने हिस्से का काम मैं ज़रूर करूंगा चाहे पढ़ के हो चाहे लिख के हो चाहे आंदोलन करके हो चाहे बोल कर हो कुछ भी वॉट जितने मेरे वश में ताकत होगी औकात होगी उतनी काम करूँ ये क्यों कह रहा हूँ ये वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि इससे मेरे कोई दाल रोटी या जीविका चलेगी मुझे पैसे मिलेंगे ये मुझे पता है कि आज आप कम सुन रहे हैं लेकिन जब मैं मर जाऊँगा मेरे मरने के बाद यही वीडियोज लाखों की संख्या में सुने जाएंगे यही हमारे समाज की त्रासदी है बाबा साहब ने कहा ना यहाँ पे और कई जगह उन्होंने कहा है कि मरने के बाद यहाँ ज़्यादा लोग याद करता है जीते जी काम और काम की बात उनको समझ में नहीं आती है शुक्रिया साथियों जय भीम सुनिए और शेयर कीजिए और इसको लाइक कीजिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और ऊपर बटन दबा दीजिए जिससे कि जितने वीडियोज़ हम डालें और वीडियोज़ आपके पास नोटिफिकेशन जाए गाना भी सुनिए डांस भी देखिए लेकिन काम की बात भी थोड़ा गंभीरता से 20 मिनट 30 मिनट निकाल के आप सुन लीजिए इससे आप ही को लाभ होगा ज़्यादा मुझे कोई ये नहीं कह सकता मैं पेइंग बैक टू पे बैक टू सोसाइटी नहीं कर रहा हूँ ये मेरा पे बैक टू सोसाइटी है शुक्रिया साथियों जय भी